गाइस, और बहुत दिन बाद मैं मोटो ब्लॉग कर रहा हूँ। और आज संडे है और संडे राइड पे निकला है। सिर्फ हम लोग चार राइडर निकले हैं। आज जा रहे हैं केसकाल की तरफ। चार राइडर में सबको जानते हो आप, एक है विवेक भैया, एक हमारे रितेश भैया, और चौथे में है अपना चिंतामणि भैया। तो सब पचपीनागा में वेट कर रहे हैं। चलते पचपीनागा में मिलते हैं उनसे, उसके बाद आगे का सफर तय करते हैं और आपसे बातें करते हैं। बाद एक लंबा अभी के लिए लंबा एक ट्रिप हम लोग डिसाइड किए कि चलो केसकाल तक हो गया है, जो कि 164 किलोमीटर रायपुर से। तो दो तीन महीने बाद मैं बाइक पकड़ा हूँ, क्योंकि बहुत मिस कर रहा था राइड को। नाग साहब है, आज नागपंचमी है, बंद कर दे भैया, लव कूद मारेगा यहीं पर। दिखा एक बार, काटेगा तो नहीं? नहीं काटेगा। हाँ काट, पकड़ू? अबे काट दे कर दे। आवाज निकालो ना। हाँ देख रहा है क्या? हाँ जाओ पचपीना का में। क्या बात, क्या बात है, क्या बात। अभी भी हाँ देखो, आवाज निकालूं? किसका आवाज? सांप का आवाज? वो गाली खिलाएगा मतलब पुलिस से ना? यहीं पर पुलिस का घर भी है बेटा। चलो तो हमारे विवेक भी आ चुके हैं अपना फुल गेटअप में। ये चले लद्दाख? मेरे को पता तो कोई नहीं आया। लद्दाख चले? चलो लद्दाख। हाँ देख रहे हो फुल गेटअप में एकदम गुड गुड। तो हमारे बीच केके राइडर जुड़ चुके हैं और विवेक भाई तो आ ही चुके थे, और हमारे मिले हमारे स्पीति रिटर्न चिंतामणि भैया से। क्या हाल है भैया, लेट करवा दिए? चलो चलो कोई नहीं, तो चालू करते हैं राइड को यहाँ से। पता नहीं साउंड कैसे आ रहा होगा, क्योंकि सेटअप को मैं चेक ही नहीं किया, बहुत दिन से रखा हुआ था। विवेक भैया तो बोल रहे लद्दाख चले क्या। स्पीति चल जाता है, सही बात है। एक ही है क्या ये? क्या ठीक है, तो ये रिलायंस का पेट्रोल पंप था, उसको जियो ने परचेस कर लिया, ऐसा विवेक भैया बोल रहे। तो कहाँ डालूं? ओके फुल फुल चेक कर लीजिएगा सर। 109 कब हुआ? यहाँ पिछले महीने से बढ़ गया। यहाँ बोलने से रिलायंस में और बाकी 102 है? ये कैसा नाटक है यार तू? अबे तो रिलायंस का बढ़ गया सिर्फ, तो आगे डलाते रिलायंस क्यों डलाएंगे? 6-7 रुपए ज्यादा है, मत डलवाओ। हाँ वाह,
ऐसा तुम लोग अलग से राज्य चला रहे हो? मैं कंपनी बढ़ा रहा हूं। अरे कंपनी बढ़ा दिया तो 6-7 रुपए बढ़ा देगा यार, बताओ भला। अच्छा वो नहीं डाले है। यहाँ फुल टैंक में तो 100-150 घुस जाता। अरे तो 109.60 रुपया है डीजल पेट्रोल। तो ऑलमोस्ट हम लोग अवनपुर पहुंच चुके हैं रायपुर से। रायपुर में देखे ही आप रिलायंस पेट्रोल पंप में 109.60 रुपया। अब यहाँ देखते हैं। यहाँ कितना? 102.50 रुपया, बताओ। तो अवनपुर पहुंच चुके हैं अपन। भैया चूस रहे पानी। आपको क्या विनायक भाई, आपको भी लगता होगा ना, देख काश मेरे पास भी रहता तो मैं भी चूसता करके। नहीं नहीं नहीं, मैं बॉटल लाया हूँ सर। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इस पर दे देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भी मंगा लें। मेरे पास है लेकिन लाया नहीं हूँ। अरे हाँ, आपके पास तो है। तिरुपति राइड में तो पूरा आप लेके चले थे। बिल्कुल, उसका ढक्कन बहुत बड़ा है लेकिन। हाँ, और रिलायंस तो अलग ही दुनिया में चल रहा है। 6 रुपये ज़्यादा, 6.10 रुपये ज़्यादा पर लीटर। तो सोचो अगर मेरे गाड़ी में 15 लीटर आया तो 100 रुपये का फर्क। 100 रुपये में नाश्ता पानी हो जाएगा, चाय पानी। बिल्कुल बिल्कुल सर, चलो। इन लोग अभी भी हिसाब किया पड़े कितना आएगा, इन कितना डल रहा है एक्स्ट्रा। मेरे गाड़ी में भी 10 रुपये एक्स्ट्रा डला है। हम लोग अभी धमतरी पहुंच चुके हैं। पेट्रोल पंप से निकलने के बाद यहां पर धमतरी में आपसे मिल रहे, क्योंकि रास्ते में ज्यादा कुछ दिखाने के लिए नहीं था। कहां मेरा स्कार्प? यहाँ पर कहीं पोहा हुआ नाश्ता करते हैं, उसके बाद आगे निकलेंगे। चिंता मुनि भी बोल रहे थे कि आज रुकने का प्लान बनाओ, देखते हैं ऐसा कुछ हो तो वो करेंगे, नहीं तो वापसी रात तक। हमारा जो मूड है बाइक राइडिंग का था, क्योंकि बहुत दिन से चलाए नहीं थे, तो जितना दूर चलाना है उतना दूर चलाना है, बस चलाना है, बस रुकना नहीं है। हाँ, पेट पूजा करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। और आज सुबह जब आप देखे नाक साफ का, मैं पहली बार अपने हाथ में पकड़ा था। हाँ, हिम्मत इसलिए हुआ क्योंकि ग्लव्स पहना था। रिलायंस में कोई पेट्रोल ना डलाए भाई, फुल टैंक में आपको 100 रुपये का चपट लगेगा। 1000 रुपये के पीछे 100 रुपये चपट लगेगा। पता नहीं रिलायंस ऐसा क्यों किया। एक तो क्या रुपया का वैल्यू कम हो रहा है, डॉलर का रेट बढ़ रहा है। अपन को टेंशन नहीं क्योंकि अपन डॉलर में कमा रहे हैं, अपने लिए तो अच्छा है। तो हम लोग निकले थे रायपुर से कि रास्ते में पानी मिलेगा, बरसात मिलेगा, कुछ नहीं है, सूखा और धूप इतना तेज है, हालत खराब कर रहा है। देखो पसीना, देखो ये देखो माथे का पसीना। कैसा है सर पोहा जलेबी? अच्छा, बहुत अच्छा, एक नंबर। धमतरी का फेमस है प्रीतम पोहा। होगा पहली बार खा, अपन 2-3 बार खा चुके। नहीं सर, आज साहू में नहीं खुआ है पोहा। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। तो निकलते यहाँ से जल्दी और जाके वाटरफॉल में नहाएंगे, है ना सर? नहाएंगे ना। की देरी है, पानी भी गिर जाए तो राइड का मजा आ जाए, क्योंकि घर तो सोच के निकले रेन राइड करेंगे लेकिन पानी का नामो निशान नहीं है। ऊपर ही है, देखो गिर जाए तो मजा आ जाएगा। आगे टोल गेट, तो टोल गेट से हमको फर्क पड़ना नहीं है। ये वो पत्थर गिरा हुआ दिख रहा है, तो पासिंग रोड ही है, बाकी रोड आते हैं देखते हैं अपन। तो अगला शॉट ड्रोन का।
जो है ये पत्थर गिरने की वजह से रोड बंद हो गया। बोला पहाड़ गिरा रे बाप, ये मेरे ख्याल से कल गिरा होगा। 12:50 हुआ है मेरे गाड़ी के करीब है, बाकी एक्चुअल टाइम हो सकता 10-20 मिनट ऊपर नीचे। हम लोग अभी केसकाल घाट के ऊपर चल रहे हैं और इसके बाद ही केसकाल सिटी भी आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं 10-15 किलोमीटर और आगे जाएंगे। अब विवेक भैया कौन सा वाटरफॉल ले जा रहे पता नहीं। वहाँ अभी केसकाल घाटी चढ़ने के बाद केसकाल सिटी से राइट लेके हुनेड वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ एक और बार आ चुका हूँ मैं। केसकाल से रिटर्न आते वक्त मेरा गोप्रो का बैटरी डाउन हो गया था, तो मैं रिटर्न शूट नहीं कर पाया और रात भी हो गया था। कुछ ड्रोन शॉट है केसकाल टाटा मारी के, तो वो देखिए आप। और इसी ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और ज़रा सा भी आपको कुछ मज़ा आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह मैं कुछ रिव्यू वीडियो आएगा इसके बाद, रहिए ब्लॉग पे। और तब तक के लिए बाय बाय।